नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज कोटा में संविदा आधारित यूटीपी आधारित जो भर्ती निकली थी वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर मैं बता दूँ, मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि यहाँ पर लिस्ट आउट की थी। लिस्ट आउट होने के बाद में जो भर्ती है वो स्थगित कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है 1101 नंबर 3 जून 2021 को, कि दिनांक 3 जून 2021 को दोपहर 3 बजे विज्ञप्ति क्रमांक 993 दिनांक 18 मई 2021 के क्रम में चयन समिति और दस्तावेज जांच समिति की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तृत पुनर्विचार करते हुए निम्नलिखित सर्वसम्मति से यहाँ पर निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय लिया गया कि इस कार्यालय में जो अस्थायी आवश्यक अस्थायी आधार पर नर्सगढ़ सेकंड की नियुक्ति जो विज्ञप्ति क्रमांक 993 दिनांक 18 मई 2021 है, एवं नोटिस क्रमांक 1095 जो सूची जारी की थी, मेरिट लिस्ट जारी की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी गई है। दिनांक 4 जून 2021 को होने वाले इंटरव्यू भी निरस्त कर दिए गए हैं। उक्त विज्ञप्ति के अंतर्गत अंतिम दिनांक 26 मई 2021 को सायं 5 बजे पश्चात को किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों को इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। विज्ञप्ति अनुसार आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क रूप में प्राप्त नहीं हुआ उन आवेदनों को भी इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ ही विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन प्रारूप से भिन्न आवेदन करने वालों को भी यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया है। अब दोस्तों, विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित दिनांक तक प्राप्त होने वाले आवेदनों में से दिनांक 8 जून 2021 सायं 5 बजे को पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अलग अलग सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करी जाएगी। तत्पश्चात सभी पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाएगा। अग्रिम व्यवस्था एवं कार्यक्रम जो है वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। डॉक्टर विजय सरदाना प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज के हस्ताक्षर से विज्ञप्ति जारी हुई। तो दोस्तों, जो कल जो 2 जून के माध्यम से जो लिस्ट जारी की थी मेरिट लिस्ट, वो कैंसिल कर दी है। साथ ही 4 जून को होने वाले इंटरव्यू भी यहाँ पर कैंसिल कर दिए गए हैं। अब 8 जून को पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करते हुए अब नए सिरे से यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों, 2 जून को जारी इंटरव्यू लिस्ट जो थी कैटेगरी वाइज, वो कैंसिल कर दी गई है। और 8 जून को अब पात्र और अपात्र, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल अभ्यर्थियों की अलग अलग लिस्ट साइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद में इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।